लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने अभी मतलब ये एक दो मतलब ये आप लोगों का सुना है क्या, नशा मुक्ति का सवाल। अरे नशा मुक्ति कैसे हो जाएगी उत्तराखंड में? ये तो मतलब देव, ये तो देव स्थान था, आज तो मतलब यहाँ के लोग नहीं जान पा रहे हैं कि उत्तराखंड मतलब ये देव स्थान था, स्वर्ग था। ये तो यहाँ तो मतलब ऋषि मुनि जो थे मतलब यहाँ तपस्या करने के लिए आते थे, आज तो यहाँ लोग जो है यहाँ दारू पीने के लिए आ रहे हैं। दारू का तुम लोग मतलब ये कैसे प्रत्याग कराओगे? सरकार तो जगह जगह में मतलब यह ठेके खोल रही है, पीने के लिए बेदखाल में पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए मतलब यह संगलो कोटी में पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए बॉडी में पानी नहीं मिल रहा है, पर दारू जितना चाहिए आपको मतलब यह मिल जाएगा लीटरों के हिसाब कंट्रों के हिसाब से, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। आज पर्यावरण समाप्त हो रहा है उत्तराखंड का, और उसका सारा उत्तरदायित्व तो हम लोगों पर है। हम कई दिन से देख रहे हैं, मेरी मैं अपनी बहू से भी बोलता हूँ, देखो आज वहाँ की तरफ आग लगे, आज मतलब ये बडेना की तरफ लगे, अब वो भी कहते हैं यार अब तुम क्या करोगे, लग रही तो अब तुम क्या करोगे। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पर्यावरण ही हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी शक्ति है। आज पानी सूख रहा है, बारिश नहीं हुई है, यहाँ पर अब ये वो आया था कि मतलब ये हमको मतलब शहर और गांव को की समस्या को पार देना है, रेलगाड़ी यहाँ तक आनी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, जंगल आग लगा के जल जाने चाहिए, खेती में बंदर आएंगे मतलब उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपने सबसे पहले अपने माँ बाप को ये सिखाना है, दारू जब माँ बाप नहीं पिएंगे तो मतलब यह है तब तुमको क्या परेशानी, लेकिन अगर दारू पिएंगे तो क्यों पिएंगे? जरा यहाँ पर कितने बच्चे हो गए, जरा हाथ खड़ा कर दो, किस किस के घर में गाय भैंस मतलब यह दूध देने वाली, हाथ खड़ा करो जरा बोल दो। ये हाल है जब हम मतलब है दूध नहीं पियेंगे तो दारू ही पीनी पड़ेगी भैया भूलने के लिए। इसलिए हर बच्चा अपनी माँ को बोलो दूध चाहिए पीने के लिए। अगर तुम मेरा नाक बंद कर दोगे, मेरा मुंह बंद कर दोगे, कितनी देर तक जिंदा रहूंगा? बोलो रह पाऊंगा, जिंदा रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। तो हवा सबसे पहले आवश्यक है, हवा दूषित होगी हम बीमार हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है हमारे लिए जीने के लिए बता सकते हो? पानी, भोजन, पानी। अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हम हफ्तों तक मतलब जी भोजन नहीं मिलेगा तभी जीते रहेंगे। तीसरी चीज है ना, पहले हवा है तब पानी है तब भोजन है, लेकिन आज क्या है? दारू। तुम भी हम भी तुम्हारी मम्मी पापा जो है गाय है भैंस है पैदल नहीं आ रहे, गाड़ी में आ रहे कि नहीं आ रहे, उससे प्रदूषण हो रहा कि नहीं हो रहा? गाड़ी के आने से हो रहा है, घर में जो गैस रखी हुई है उससे प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जंगल में जो आग लग रही है उससे प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जिस हवा को हम आवश्यक समझते हैं वो हवा दूषित हो चली है, इसलिए मतलब ये वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसी है, हानिकारक है। किसी गांव के जितने भी गांव कितने लोग हैं तुम्हारे गांव में जो अपने पंदेरी नवली से पानी पीते हैं? रात खड़ा करो, पंदेरी नवली से पानी पीते हैं है कोई? नहीं है। सब कहाँ से पीते पानी? नलके से। नल का कितनी ऊंचा रखा है? बिगी बड़ी पता है, वहाँ पे किसी का जानवर मरा हुआ है तो भी उसके अंदर सांप मरा हुआ है, चूहा मरा हुआ है, मेंढक मरी हुई है, नल खोलो पानी लो, पानी लो, क्या पानी साफ है?
नहीं। हम लोग जो अपनी खेती पाती करते थे, अपने अपने खेत का अनाज खाते थे, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र के लोग, उत्तराखंड के लोग, आज कोई खेती कर रहा है? नहीं। कितना गेहूं, कितना गेहूं हुआ आप लोगों का, कितना मंडुआ हुआ, कितना धान हुआ, जरा हाथ खड़ा करो। मम्मी पापा से इधर पूछ लो, हुआ नहीं हुआ? जिसको हम खा रहे हैं, जिस अन्न को हम खा रहे हैं, सारा जो है गोबर की खाद से नहीं, केमिकल खाद से बन के आ रहा है। जो सब्जी हम लोग मैदान से आ रही है, जो हमारे घरों में हुआ करती थी, वो मैदान से आ रही है, वो भी क्या है, नकली है। सुन रहे हो? तो जब हमारा भोजन नकली, पानी नकली, हवा नकली, तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? अच्छा होगा? नकला नहीं होगा। नींबू कार्ड बना। आज जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे भी आते हैं, उनकी मम्मी पापा दादी दादी सब आते हैं, भाई हम तो बीमार हो गए, कब होना ठीक? अरे ठीक हो, जब दुनिया भर का हवा विषैली खा रहे हैं, पानी विषैला खा रहे हैं, सब्जी विषैली खा रहे हैं, सारी चीज विषैली खा रहे हैं, तो हम तो मतलब विष खा रहे हैं। विष खा के कोई ठीक होता नहीं होता। तो राज्य सेवा योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य, राज्य के नाम पर कोई हो या न हो, अगर आप लोगों में कुछ जागरूकता है, तो अपने गांव में मतलब ये खेती से पैदा करो, अपनी नवली से मतलब ये अपने धारे से पानी पियो, आग लगाने से मतलब ये परहेज करो, तब जाके हम लोगों का स्वास्थ्य मतलब ये सही होगा। और बच्चों को मतलब ये राष्ट्रीय सेवा का सबसे पहले मतलब ये प्रारंभ कहाँ से करना है? कहाँ से करोगे? घर से, घर से, घर से, घर से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने घर से। तो सबसे पहले अगर तुम लोगों में 25 विद्यार्थी तुम यहाँ पर हो जी, अगर 25 विद्यार्थियों ने तुमने 25 घरों में या 25 गांव में भी मतलब ये है कि अगर ये कार्यक्रम को शुरू कर दिया, न समझे होंगे योजना का सबसे पहले यही उद्देश्य, एक सबक है कि हमको स्वस्थ रहना है, कि है। और राष्ट्र को स्वस्थ बनाना है। अगर मानोगे तो करना, और अगर नहीं मानोगे तो दारू आती रहेगी, माँ मम्मी को भी बोलो तुम भी पीते रहो, पापा तुम पीते ही होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.